है वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे वीडियो किस टॉपिक के ऊपर जाने वाला, मैं आपको कौन सी ऐसी बातों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें टैटू बनवाने का, जो हमारा नया टैटू उसे बनवाने के बाद हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, टैटू हमें जो कौन नए टैटू पे कौन कौन सी चीज़ें का अप्लाई करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लगाना चाहिए, कुछ हमें उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी दी है कि टैटू बनवाने के बाद में जो आपका न्यू टैटू है उसकी आप केयर किस तरह से करेंगे और आपको उस पर किस किस तरह के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना होगा, आप यूज़ करके अपने टैटू को एक अच्छा टैटू बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखे ही होंगे कि न्यू टैटू को सही रखने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए, इस तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, इस वैसलिन का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों, हम क्यों वैसलिन और कोई भी तेल का इस्तेमाल करने लगे? लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको न्यू टैटू के अप्लाई मतलब न्यू टैटू के ऊपर कौन सी चीज़ों का अप्लाई करना चाहिए, कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा यूज़फुल वैसलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मात्र दो ही चीज़ें हैं जिससे वैसलिन या तेल, इन दोनों चीज़ों की वजह से ही आपका टैटू के एक अच्छे शेप में आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपका भाई दिल से आपको एक बार धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज हमारे YouTube चैनल पे 500 सब्सक्राइबर से ज़्यादा फैमिली हो चुकी है। क्यों? बस आपके सपोर्ट के वजह से, आपके प्यार के वजह से। तो दोस्तों आप लोग को दिल से धन्यवाद कहता है दीपक सक्सेना। इसी तरह से दोस्तों आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को इतनी ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों और अगर हमारे चैनल पर जो लोग अभी तक नए हैं, हमारे चैनल पर नहीं जुड़ चुके हैं, हमारी फैमिली का ऐसा नहीं बने, तो मेरी आपसे उतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन आपको साइड में दिखाई दे रहा उसे प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन दबा के अपने भाई के सपोर्ट करके अपने फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए वीडियो को अब आगे की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू टैटू बनवाने के बाद में आपको तेल और वैसलिन का यूज करने के लिए क्यों सलामत दिया जाता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा जिस जगह पर आप टैटू बनवाते हैं उसे आप इरेजर से आपके हेयर को रिमूव किया जाता है, आपके बालों को वहां से हटाया जाता है, जिसके कारण से वहां के रोम छिद्र दोस्तों खुल जाते हैं, जिसके वजह से वहां सूखा या रूखापन आने की वजह से आपके हाथों के ऊपर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो टैटू होता है वो रूखेपन में ना आ जाए, इसलिए आपको वैसलिन और तेल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन किसी भी तेल का और किसी भी वैसलिन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे ही। मैं आपको ये वीडियो छोटा सा होने वाला लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको कौन से वैसलिन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो टैटू वाले होते हैं वो हमें वैसलिन का उस तरह के वैसलिन का इस्तेमाल करना बताते हैं, क्योंकि हमें क्यों किया जाता है, उसमें जो जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं, जीवाणु इकट्ठे होकर इन्फेक्शन ना करें आपके हाथों के ऊपर जहां आपका टैटू बना हुआ है। इसलिए आपको एंटीबैक्टीरिया, जो एंटीबैक्टीरिया रिमूवल वैसलिन आती है, जैसे आप यहां देख ही रहे हो एंटीबैक्टीरिया वैसलिन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप कहीं भी जैसे बाहर जाते हो तो आपको बेबी जॉनसन या किसी भी अलग अलग तरह के तेल का इस्तेमाल नहीं करने, आपको आपके कहीं भी कोई भी स्टोर पर आपको जो नारियल का तेल होता है कोकोनट ऑयल, आपको उसे परचेस करके लगाना होगा कहीं भी बाहर निकलते वक्त। लेकिन ध्यान रखना आप घर में अगर रहते हो तो आप एंटीबैक्टीरिया जनक जो भी वैसलिन होती है उसका आपको यूज़ करना होगा अपने टैटू के ऊपर। क्योंकि ये क्या होती है, आपके जो टैटू जिस जगह पे बना हुआ है वहाँ से जो जीवाणु, जो कीटनाशक, जो जीवाणु जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उस तरह के जीवाणु को ये एंटीबैक्टीरिया वैसलिन वहाँ से हटाती है और आपके टैटू को इन्फेक्शन होने से रोकती है। और एक पेट्रोलियम इसमें इंग्रेडिएंट्स भी पड़ा होता है, पेट्रोलियम इंग्रेडिएंट्स पड़े होने की वजह से इसमें नमी रहती है, हमेशा टैटू के हिस्से में नमी रहनी ही चाहिए, नहीं तो ये आपको इन्फेक्शन दे सकती है। अगर आपके पेट्रोलियम उसमें पदार्थ पड़ा हुआ है तो आपको पानी की बूंदें भी अगर टैटू पर पड़ रही है तो वो पानी की बूंदें पकने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। अगर आप एंटीबैक्टीरिया वैसलिन का इस्तेमाल करते हो तो आपको पानी से भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी आप दोस्तों याद रखना, अगर आप बाहर जाते हो तो आपको नारियल का तेल मतलब कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना ना भूले। कहीं भी आप जब 2 से 3 बूंदे आप उस पर अप्लाई मतलब एक परत बना के निकलिए, आप कोकोनट ऑयल की एक परत बना के निकलिए अपने टैटू के ऊपर, जिस भाग में आपने टैटू का बनवाया उस भाग में आपको कोकोनट ऑयल की एक परत बना के निकलनी होगी। अब दोस्तों ये तो बात रही कि हम टैटू के ऊपर कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें,
लेकिन अब आपके मन में ये तो आ ही रहा होगा कि दोस्तों कि भाई हमें ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे हमें खासकर टैटू बनवाने का, जो नए टैटू बनाने होते हैं उसके बाद हमें कौन सी बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन किस किस तरह के हमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका फॉलो करना चाहिए। मैंने आपको दोस्तों एक आई बटन में भी यहाँ पे दे दूंगा और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस चैनल के ऊपर टैटू का पार्ट वन बनाया हो कि टैटू बनवाने के बाद आपको कौन कौन सी बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर वॉच करो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा वीडियो। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगा रही है, वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट साबित होती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है इस चैनल के ऊपर, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जैसा कि पता ही है मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपकी कमेंट के अनुसार मैं नए नए टॉपिक की वीडियो ला के आता हूँ, जिस तरह की आपके भी किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, अगला टॉपिक आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, अगला वीडियो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।